हेलो देयर, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स 11 इन द मॉर्निंग एंड आज 3 डिग्री टेम्परेचर है और मैं बहुत टाइम के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप कि बहुत सारे लोग जो मुझे बोल रहे थे कि प्लीज़ मेक अ वीडियो, कुछ भी बना, कुछ कंटेंट बना, क्या चल रहा है कनाडा में, सब कुछ हमें बता दे। तो ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए ही बनाया स्पेशल। वैसे मेरा आजकल मन बहुत कम हो रहा था वीडियो बनाने का। मैंने 2-3 ट्रायल लिए थे, मैं कोई वीडियो शूट कर रहा था लेकिन किसी भी एक वीडियो पे मैं मतलब इतना मेरा दिल नहीं लगा कि मैं इस वीडियो को अपलोड करूं। तो फाइनली मैं ये वीडियो ऑफ कोर्स अपलोड करने वाला हूं बिकॉज़ चाहे जितने भी ट्रायल हो लेकिन ये वीडियो अपलोड करना ही है बिकॉज़ बहुत कुछ बताने के लिए है मेरे पास। तो शायद वीडियो भी लंबा होगा लेकिन ये वीडियो ज़रूर अपलोड होगा। और हाँ, मैं लैंग्वेज शिफ्ट कर दी। मैं गुजराती से हिंदी पे स्विच हो गया बिकॉज़ बहुत लोगों ने मुझे बताया था कि प्लीज़ मेक अ वीडियो इन आइदर इंग्लिश और आइदर हिंदी। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर मॉर्निंग। तो सुबह सुबह हम क्या करते हैं, तो सुबह सुबह हम आजकल बहुत देर से उठते बिकॉज़ आप सबको पता है कि ये क्वारंटाइन डेज़ में वैसे कुछ खास करने को होता नहीं है। हमारी कॉलेजेस, अभी कॉलेज तो बंद है हमारी, सो वी आर जस्ट वर्किंग लाइक हमारी जॉब, मेरी जॉब चालू है, मेरी दोस्त की जॉब नहीं चालू है। मेरे बहुत सारे दोस्त जॉब भी कर रहे हैं लेकिन कुछ है जिनकी जॉब छूट गई है या फिर उन्होंने क्विट कर दिया अभी के लिए। सो हम सुबह उठते हैं 11 बजे और सबसे पहले इस सिटी को देखने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ हैमिल्टन और बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है गाइस। लाइक ये डाउनटाउन है हैमिल्टन का और पूरा दिखता है हमारे अपार्टमेंट से। आज बहुत ठंडी है तो मैं अंदर आ जाता हूँ। वैसे कुछ दिनों पहले 24 डिग्री या 22 डिग्री था, जो बहुत यहाँ की समर होती है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ब्यूटीफुल। उस दिन मैं बाहर निकला था, इतना अच्छा था। वैसे मैं उस दिन की राह देख रहा हूँ फिर से कि वो ऐसा टेम्परेचर कब आए। तो बहुत अच्छा, मतलब हमें स्वेटर पहन के बाहर निकलना पड़ता है, तो उसके बाद हमें स्वेटर नहीं पहनना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे ये मोटे मोटे स्वेटर पहन के हम थक चुके हैं बिकॉज़ पहले पहले अच्छा लग रहा था कि विंटर है, स्नोफॉल वैसे सब देखने को बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो स्वेटर इतने हैवी लगने लगे क्योंकि ठंडी में चलना और ऊपर से ये वज़न मतलब पहन के चलना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था। सो व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ। सो मैंने आपको बताया कि हम आजकल 11 या फिर 12 बजे हमारी सुबह होती है और क्योंकि हाँ अभी कुछ करने को है नहीं, हम सीरीज़ या फिर मूवीज़ देखते हैं और हमारी कॉलेजेस भी बंद है। हमारा अभी सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है और एक्सटेंड कर दिया है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। और जो नया सेमेस्टर स्टार्ट होगा वो भी ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है। जो भी मेन टेक में मुझे बहुत लोगों ने बोला कि हम मेन टेक में आ सकेंगे, वैसे अभी नहीं बोला था लाइक 1 महीने या फिर डेढ़ महीने पहले बोला था उन्होंने। तो मैंने उनको कोई मतलब ठीक से जवाब नहीं दिया था, उनको कोई रिप्लाई नहीं दिया था क्योंकि मुझे भी इतना पता नहीं था कि कैनेडियन गवर्नमेंट क्या सोच रही है अभी, मतलब इमिग्रेंट्स को लेगी या फिर मतलब स्टूडेंट्स या फिर। तो अभी तो आप सबको पता चली गई होगा शायद कि अभी कोई स्टूडेंट्स मेन इंटेक में नहीं आ पाएंगे क्योंकि मई तो स्टार्ट हो गया है राइट। तो आप सितंबर इंटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, शायद सितंबर में आपको आने का मौका मिल जाए। और उठने के बाद मैं फिर से अपने दिनचर्या पे आ जाता हूँ। तो उठने के बाद हम एक्सरसाइज करते, वैसे बाहर थोड़ी देर खड़े रहते हैं, थोड़ा व्यू लेते, फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज करना। वैसे वो पीछे आप शायद चार्ट देख रहे हैं, वो चार्ट हमने बनाया था और आज हमें 17 डेज़ हो गए एक्सरसाइज करते। और हाँ, इट्स प्रीटी नाइस बिकॉज एक्सरसाइज करने से हमें बहुत रिलीफ मिली है। तो हमारा सबसे ज़्यादा खाने का वही होता है पिज़्ज़ा वगैरह, ब्रेड वगैरह। तो आपको पता है कि उसका बॉडी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमने सुबह एक्सरसाइज स्टार्ट की है करनी। तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने प्रोग्रेस भी बहुत ज़्यादा किया है। जो फर्स्ट डे था मैं उसके मतलब मैं अपने पहले दिन पे आई गेस 1 या फिर 2 पुशअप कर पा रहा था और अभी एट अ टाइम 18 पुशअप। तो आप देख रहे हो। और हाँ, ये बहुत जल्दी मतलब अपने एप्स भी आ जाने वाले। वैसे एप्स की मतलब मुझे एप्स की नहीं पड़े, मुझे सिर्फ फिट होना है। सो गाइज इट्स 3 o'clock इन द सेम डे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी जो स्कूल मतलब मेरी जो कॉलेज है और जो गवर्नमेंट है वो हमें कैसे सपोर्ट करती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि अभी जो हमारा जो कॉलेज है वो कैसे चल रहा है। तो अभी हमारी एग्ज़ाम्स जो है वो सारी ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी। तो मेरा अप्रॉक्सीमेटली जो लास्ट सेमेस्टर था उसमें से लाइक 20% जो पूरा सेमेस्टर था वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था। और अभी हमें 1.5 मंथ का ब्रेक था। तो इस 1.5 मंथ के ब्रेक में हम फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। और हाँ, ऐसी अनाउंसमेंट है शायद कि हम इसके बाद भी फुल टाइम जॉब कर सकेंगे, जब हमारा जो नेक्स्ट सेमेस्टर है वो भी ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। इसलिए तो पूरा ऑनलाइन जो मेरा जो पूरा सेकंड सेमेस्टर है, हम मैंने अभी एक टाइम टेबल चूज़ किया, हमें टाइम टेबल चूज़ करने का ऑप्शन आया था, तो वो पूरा सेमेस्टर अभी फ़िलहाल के हिसाब से तो ऑनलाइन ही शिफ्ट हो गया है। और अभी बात करते हैं कि जॉब के बारे में। तो मैं जॉब करता हूँ रोज़ मतलब मेरी वीक में जो 4 डेज़ की जॉब होती है, 4 या 5 दिन की जॉब होती है, और अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको पहले ही बताया 14 टू 15 आवर्स मुझे मिल जाता है अप्रॉक्सीमेटली, और मेरा घर का खर्चा निकल जाता है। वैसे मैंने पहले जॉब क्विट करने वाला था, लेकिन मैंने की नहीं, बिकॉज कि मुझे ऐसा पहले डर था, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि अगर ये पेंडेमिक ज़्यादा बढ़ गया तो आगे जाके क्या होगा, जॉब कंटिन्यू नहीं करूँगा तो फिर क्या होगा, इसलिए मैंने जॉब छोड़ी नहीं। और अभी भी लग रहा है कि अगर मैंने जॉब छोड़ दी होती तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। ये एक मेरा अच्छा डिसीजन था, क्योंकि मैं पूरे प्रिकॉशंस ले रहा हूँ, और मैं एक एसेंशियल वर्कर हूँ, मैं एक पिज़्ज़ा स्टोर में काम करता हूँ, तो मुझे परमिशन भी है काम करने की। और दूसरी बात, जिन्होंने जॉब छोड़ दी है उनके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी होगी, बिकॉज उनको अपने घर के खर्चे निकालने होंगे, और दूसरी बात कि उन्हें फ़ीस भी भरनी है। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ऐसा सोच के आते हैं कि हम फीस भर लेंगे। तो अब मैं बात करता हूँ कि गवर्नमेंट के तरफ से और कॉलेज की तरफ से हमें कैसा सपोर्ट है। गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाली थी, और उन कुछ स्कीम्स में कुछ ही स्टूडेंट्स हैं उस क्राइटेरिया में फिट होते हैं, जो स्कीम्स के क्राइटेरिया होते हैं, और उन क्राइटेरियाज में हमारे जैसे स्टूडेंट्स फिट नहीं होते, बिकॉज उसके क्राइटेरिया ऐसे थे कि आपको 2019 में अप्रॉक्सीमेटली कुछ $5,000 आपने जॉब करी होनी चाहिए, मतलब $5,000 अर्न करे होने चाहिए जॉब करके। और दूसरी बात कि आप शायद PG डिप्लोमा कर रहे हो, तो आपको PGD के मतलब अगर आप कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट $2,000 देगी, ऐसे करके। तो ये सारे क्राइटेरियाज है, तो इनमें फिट होना ज़रूरी है, और हम तो अभी दिसंबर में आए, तो हम किसी भी क्राइटेरिया में फिट नहीं हुए। म्यूजिक रुको जरा, सबर करो। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज मतलब जहाँ पे मैं स्टडी कर रहा हूँ, उनकी तरफ से हमें थोड़ी हेल्प मिली। मुझे कल ही मेल आया, हमसे एक फॉर्म भरवाया गया था, और उन्होंने हमें कहा कि अगर आपको नीड है तो हम आपको हेल्प करेंगे। तो हमने जो भी था वो फॉर्म में सब फिल किया, हमने सच सच बता दिया कि हमारे घर के खर्चे इतने, हमारे ग्रॉसरीज इतनी है, हम घर का रेंट इतना पे करते हैं। तो उनके हिसाब से वो शायद हमें $500 की हेल्प करेगी। दूसरी बात कि यहाँ के जो रेंट्स होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 250 से 600 तक रहते हैं। मैं खुद 350 भरता हूँ, और मैं 1 BHK में हम 4 लोग रह रहे हैं। ये हर जगह का अप्रॉक्सीमेटली इतना रेंट तो रहता ही है। तो अब मैं उन सितंबर इंटेक में जो लोग आने वाले हैं उनके लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अभी आप सब देख के अप्लाई कीजिए, बिकॉज इस समय कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आगे क्या होगा, और आपको ठीक से वीज़ा भी मिलेगा या नहीं। ऐसी कंडीशन में क्या पता कि ये पेंडेमिक कुछ और टाइम ज़्यादा चल गया, तो आपने जो फीस भरी है वो आपको, और यहाँ हाँ, आई होप कि आपको पता होगा कि आपने एक बार कॉलेज की फ़ी भर दी तो आपको आपको एडमिशन कैंसिल कराना है तो कुछ परसेंट कट होके ही वापस मिलेगी आपको। मतलब अगर आपने 5 लाख रुपये फी भरी है तो शायद 1.5 लाख रुपये आपको वापस ना मिले उसमें से। तो प्लीज़ ये सब ध्यान में रखना, आपके कंसल्टेंट से पूरी सब चीज़ें पूछना ठीक से, और उनसे ठीक से बात कर लेना, सब क्लियर कर लेना, उसके बाद ही एडमिशन के लिए आगे बढ़ना। गवर्नमेंट ऑफ कोर्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बुलाना चाहेगी, क्योंकि इन्होंने $82 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है इस पैंडेमिक के टाइम पे, 82 बिलियन। तो ऑफ कोर्स इनकी भी रेवेन्यू, मतलब इनको भी, गवर्नमेंट को भी स्टेबल होना पड़ेगा। एक साइड का रेवेन्यू तो ये स्टूडेंट्स ही है, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी ज़रूर आएंगे। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसको मिस भी मत करना। जिनको भी क्वेश्चंस है, मेरी इंस्टाग्राम की जो मेरा हैंडलर है, इंस्टाग्राम का अकाउंट, वो मैंने अपने अकाउंट की लिंक दी हुई है, तो प्लीज़ वहाँ पर जाके मुझे विजिट करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। और गाइज, मैं आपको एक वेदर की एक रिपोर्ट दे देता हूँ। अभी थोड़े ही टाइम पहले यहाँ पे स्नो हुई थी, लाइट स्नो। इट्स मई गाइज, मई 7 हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे लाइट स्नो हुई थी। आप वेदर ही देख लो, ये वेदर कैसा है। इट्स टाइम ऑफ समर, लेकिन मैं क्या बताऊँ, ये देखो स्नो इज अगेन स्टार्टेड गाइज। मुझे पता नहीं आप देख पा रहे हो या नहीं, लेकिन ये लाइट स्नो स्टार्ट हो गई है फिर से। वैसे ये सिटी बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेड है, तो कभी कभी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभी मैं जॉब पे जाता हूँ तो बस के लिए वेट कर जब भी मैं बस के लिए वेट करता हूँ तो कभी कभी आधा घंटा भी वेट करना होता है, और कभी कभी 45 मिनट्स तक वेट करना होता है। और अगर आपने ढंग के कपड़े नहीं पहने तो आपको सच में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ के वेदर से हम मतलब इतने रूटीन में यूज टू नहीं है। तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन यहाँ पे अभी मैं धीरे धीरे यूज टू हो गया। और अभी मैंने जब अपने पापा से बात की तो मैंने जब टेम्परेचर पूछा उनको तो 44 डिग्री, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि 44 डिग्री पे वो कैसे रह रहे, पर मुझे फिर बाद में पता चला कि मैं 44 डिग्री में मैं भी रह चुका हूँ। तो और जब मैंने अपने स्टोर मैनेजर को बताया था कि इंडिया में हमारा टेम्परेचर 44 डिग्री तक जाता है, तो वो हिज माइंड वाज ब्लोन कि 44 डिग्री हाउ कैन यू सर्वाइव देयर। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता, मुझे भी ये चीज़ बहुत अजीब लग रही है, क्योंकि मैं भी वहाँ पे सर्वाइव करके आया था। आज के दिन के लिए इतना ही। मैं अभी जाऊँगा जॉब पर, मेरी 4 बजे मैं जॉब के लिए निकलूँगा। मुझे 1 घंटा लगता है ट्रैवलिंग के लिए। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशंस की जो फैसिलिटी यहाँ पे गवर्नमेंट ने की है, तो एक जो बस होती है उस बस में अप्रोक्सीमेटली 8 लोग से ज़्यादा एक बस में आप बैठ नहीं सकते। तो मैं जब भी किसी बस में ट्रैवल करने का ट्राई करता हूँ तो मुझे 1 घंटा पहले निकलना पड़ता है, क्योंकि अगर मैंने एक बस मिस कर दी तो मुझे आधा घंटा एटलीस्ट पहुँचने में लगता है। तो एक बस में अगर आठ लोग ऑलरेडी है तो मुझे दूसरी बस के लिए राह देखनी होगी, या फिर मुझे टैक्सी करनी पड़ेगी, और टैक्सी में तो आपको पता है बहुत रिस्क होता है। तो वो मैंने अभी तक टैक्सी नहीं की, और मैं चाहता हूँ कि मुझे करनी भी ना पड़े। सो गाइस, अगर मैं सोच रहा हूँ कि जॉब जाते वक्त भी रिकॉर्ड करूँ, आपको सब दिखाऊँ। अगर पॉसिबल होगा तो मैं ये रिकॉर्ड करके ज़रूर दिखाऊँगा। सो स्टे ट्यून। सो ओके गाइज, मैंने फाइनली डिसीजन लिया है कि मैं वीडियो शूट करूँगा। और ये देखो, हम लिफ्ट के बटन भी कैसे दबा दें। वी डोंट टच आवर फिंगर्स ओवर देयर। सो ऐसी थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं अभी। और मुझे पता है, मुझे ऐसा डर तो है अभी कि मैं जॉब पे जा रहा हूँ ना, तो शायद किसी को प्रॉब्लम हो कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, बिकॉज वो सोचेगी कि मैं ऐसे पेंडेमिक में वीडियो शूट करने क्यों बाहर निकला। बाय द वे, मैं जॉब पे जा रहा हूँ, मैं वीडियो नहीं शूट कर रहा हूँ, लेकिन दोनों काम साथ में कर रहा हूँ। सो लेट्स सी, आई होप कि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ये देखो गाइस, किसी ने मेरे साथ मजाक कर दिया है यार। अब मुझे हर एक बटन, मतलब हर एक फ्लोर पे जाना पड़ेगा। ओह शिट। और यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाऊँ ना, यहाँ पे 13 फ्लोर आपको नहीं मिलेगा। ये मतलब मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों है, बिकॉज ये लोग सोचते हैं कि 13 नंबर अनलकी है, मुझे दूसरी लिफ्ट ले लेनी चाहिए। आप देख सकते हैं झाड़ों के पत्ते आने शुरू हो चुके हैं। ये ट्रीज़ मुझे पता नहीं है कौन सी ब्रीड है इनकी, लेकिन इनमें अभी तक नहीं आया, लेकिन यहाँ पे शुरू हो चुका है। और मैं अपने ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सारे गवर्नमेंट की तरफ से सारे फ्री है, मतलब आप ट्रैवल फ्री में बस में आप फ्री से ट्रैवल कर सकते हैं। वैसे कैनेडियन स्टूडेंट्स जो भी है उनको ट्रैवलिंग फ्री है, लेकिन उनको एक प्रेस्टो कार्ड दिया गया है, तो उस प्रेस्टो कार्ड को टैप करके ही आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो फिलहाल वो सिस्टम भी बंद हो गया, तो वो आप ड्राइवर साइड आपको जाना ही नहीं है, आप विदाउट टैप करें सीधा बस में बैठो। और मैं अभी इसलिए शूट कर रहा हूँ कि आपको पता चल सके कि मेरी जर्नी कैसी है, सेफ़ है या नहीं है, मैं कैसे प्रिकॉशंस ले रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी, तो शायद आपको भी पता चले कि ऐसे टाइम पे वर्क करना टफ है, डिफ़िकल्ट है, अच्छी बात है या बुरी बात है, ये सब चीज़ें। सो एज़ यू कैन सी कि अभी तक मैं किसी भी इंसान के कांटेक्ट में भी नहीं आया हूँ। मुझे अभी तक कोई मिला नहीं जिसके मैं एटलीस्ट भी 6 फीट के डिस्टेंस में भी मुझे अभी तक कोई मिला नहीं। वैसे आप ओंटारियो में कंपेयर करें तो हैमिल्टन सिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, अप्रोक्सीमेटली 5.5 या 6 लाख की पॉपुलेशन है, जो कि मेरे होम टाउन जितनी है, जो मैं गांधीनगर जो सिटी में रहता था वहाँ पे उतनी पॉपुलेशन है। तो फिर इसके हिसाब से ये सिटी भी थोड़ी बड़ी है, और इंट्रैक्शन इतना भी नहीं, मतलब जितना मैं सोच रहा था कि ऐसे टाइम पर होगा उसे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन चलता है, क्योंकि मैंने सोचा था कि कोई ट्रैवल भी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी लोग ऐसे टाइम में भी ट्रैवल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, शायद मेरे जैसे एसेंशियल वर्कर्स हो सकते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सीनियर सिटीजन यहाँ पे क्यों ट्रैवल करें, उनको ट्रैवल करने की क्या ज़रूरत है। वो घर पर रहे, मतलब वो घर पर रह सकते हैं। लेकिन जब भी मैं बस में जाता हूँ मुझे 30 to 40% सीनियर सिटीजन्स मिलते हैं। इट इज़ सीरियसली वेरी कोल्ड आउटसाइड। मैं वीडियो शूट करने के चक्कर में मैंने कान में कुछ पहना नहीं गलती से, मैंने टेम्परेचर देख के बाहर निकला था, फिर भी मैं भूल गया कि मुझे कुछ पहन के निकलना चाहिए ऐसा। पुलिस कस्टडी में भी डाल सकते हैं। यहाँ पे उनको राइट्स हैं ऐसा कि अगर उनकी परमिशन हो तभी आप उनसे मतलब उन्हें शूट कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता मैं उनको रिकॉर्ड कर पाऊँगा अभी के लिए। थैंक यू। At my job destination finally. So हमें रोड क्रॉस करके उस और जाना है। और यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा। आप गाड़ियाँ देख सकते हैं वहाँ पे। ये नो फ्रिल्स एक सुपर मार्केट है, उसके बाजू में मेरा पिज़्ज़ा स्टोर है, मतलब जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ। और यहाँ पे आप जो गाड़ियाँ देख सकते हैं, ये गाड़ियाँ आपको पता है किस लिए? सारे लोग शॉपिंग करने आए यहाँ। रोज़ मैं इतनी गाड़ियाँ रोज़ देखता हूँ यहाँ पे, और वहाँ पे क्यू भी होगी आप देख सकते हैं, लोग खड़े हैं वहाँ पे। यहाँ पे एक रूल कर दिया है नो फ्रिल्स वालों ने कि कुछ ही लोग अंदर रह सकते हैं। ओके, यहाँ पे रोड क्रॉस करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। नो फ्रिल्स मतलब गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि सुपरमार्केट में कुछ अमाउंट ही लोग रह सकते हैं, और वो जब शॉपिंग करके बाहर आ जाए तब जो ये यहाँ पे जो क्यू में खड़े लोग, लाइन में खड़े, वो अंदर जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी है। क्या आपको लग रहा है कि कैनेडा में या फिर हैमिल्टन सिटी में कोरोना वायरस से किसी को पड़ी नहीं है? This is a place where I work. So guys, I am at my workplace. And अभी बहुत टाइम है, 4:30 बजे में आ गया। वैसे 5 बजे मेरी जॉब स्टार्ट होने वाली थी। So अभी मेरे पास टाइम है। यहाँ पे मैं वर्क करता हूँ और मुझे बहुत पसंद है यहाँ पे काम करना। ये स्टोर बहुत बढ़िया है वैसे, और फुल्ली ऑटोमेटिक स्टोर है। मैं आपको पूरा घुमा के मतलब अंदर जाके आपको दिखा नहीं सकता। ओके गाइज, आई एम फाइनली आउट। मेरी जॉब पूरी हो चुकी है और नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स माय होम। इट्स 9:50 और देखो अभी सूरज ढला है, जस्ट सेट। दैट्स इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे पता है मैंने ये वीडियो आधे से काट दिया, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका था और वैसे भी सब कुछ मैंने दिखाई दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।